हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो गाइस, हमने आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी वो मैं उसको अपनी क्लासेस में कवर करवा चुका हूँ, और आज हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड उसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। यानी कि जिस पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में जहां तक पढ़ाया था उसके आगे आज मुझे कंटिन्यू करना है। और गाइस, आपसे एक अभी तक अगर जिन्होंने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करिएगा NTA UGC NET। NTA UGC NET गोल सेलेक्ट करने के बाद आप अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन प्लान प्रोवाइड कराती है। और मैं आपसे हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि कम से कम आप 12th मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिएगा, जिससे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज गाइस आप देख सकते हो 6 मंथ की फीस है 8,505 रुपीज, और जो 12th मंथ की फीस है वो 10,395 रुपीज। तो समझदारी किस चीज में है, आपको 6 मंथ का लेना चाहिए या 12th मंथ का लेना चाहिए, तो आप खुद समझदार हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। तो 12th मंथ का कम से कम प्लान लीजिएगा, और जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप जिनसे भी पढ़ना चाहेंगे आप प्लस पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी आपके लिए देखिएगा EMI सिस्टम को भी लेकर के आती है, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें एक साथ 10,000 रुपीज पे करने में दिक्कत आ रही है या 8,000 रुपीज, तो वो क्या कर सकते हैं, मंथली बेसिस पर क्या कर सकते हैं, अपनी फी पे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी देखिएगा आप लोगों के लिए इतना कुछ सोचती है गाइस। तो चलें, फिलहाल तो हम आगे देख के चलते हैं। और मैंने यहाँ पे बताया है कि जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज करते हो तो आपको मेरी रेफरल कोड की वजह से, यूज करने की वजह से आपको 10%, यानी आप मेरे SAF10 रेफरल कोड यूज करने से 10% गाइस आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। और गाइस मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपकी भारी डिमांड की वजह से 25th ऑफ दिसंबर को जो प्राइस हाइक होने वाली थी वो नहीं हुई। अब इसके लिए 31st ऑफ दिसंबर डेट रख दी गई है, लेकिन अब श्योर है कि 31 दिसंबर से 2020 के बाद से, यानी कि नए साल में जब आप प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो NTA UGC NET की फीस हाइक हो चुकी रहेगी। तो गाइस आज भी मौका है कि जल्दी जल्दी आप हरी अप, मैं आपसे यही कहूंगा फौरन आप NTA UGC NET के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर, जैसे अपकमिंग बैचेस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। 22 ऑफ दिसंबर से बैचेस स्टार्ट है, लगातार बैचेस अनअकैडमी की स्टार्ट हो रही है और आगे भी स्टार्ट होगी। तो गाइस इसी का ख्याल रखिएगा, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑल टॉप एजुकेटर्स केवल अंडर 1 सब्सक्रिप्शन में ही मिलने वाले हैं, और वहां पे भी आप मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज कर लीजिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, 10% आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। ओके गाइस, चलिए, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरा सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, ठीक है, अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। अब मैं आगे अपनी टॉपिक शुरुआत करता हूँ प्रेसिडेंट। और पिछले लेक्चर में आप लोग ने देखा होगा प्रेसिडेंट के बारे में मैंने बेसिक चीजें बताई, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट तक बताया था और वहां से मैंने खत्म किया था, और मैंने कहा था आगे प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई होप जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज गाइस मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कर दो और शेयर कर दो, जो ये मेरा ये वीडियो प्रेसिडेंट का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फायदा ज्यादा लोग उठा सके। आई होप आप समझदार हैं और इस चीज का फायदा आप उठाइए, मैं आपसे यही चाहता हूँ। चले भैया, आप शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में आज हमें पढ़ना है, यानी कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ा था, और उससे पहले हमने फिर पूरे के पूरे इलेक्शन और इलेक्शन प्रोसीजर और सारी की सारी चीजों के बारे में बहुत बेसिक क्लास आपको समझाया था। और आज आपको मैं प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ समझाने जा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के कार्य एवं शक्तियां क्या है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने 6 टाइप की यहाँ पे प्रेसिडेंट के फंक्शंस को लिख रखे हैं, उनके पावर को लिख रखे हैं। तो पहला एग्जीक्यूटिव पावर है, दूसरा लेजिस्लेटिव है, तीसरा इमरजेंसी,
चौथा जुडिशियरी पावर, पांचवा मिलिट्री पावर और छठवां डिप्लोमेटिक पावर। मैं हिंदी में भी साथ ही साथ लिखता चलता हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कार्यकारी शक्तियां। अभी मैं सब एलोबरेट भी कर रहा हूँ, तो ऐसी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां क्या होंगी इनको भी हम समझेंगे, और उसके बाद इनकी विधायी शक्तियों के बारे में भी हम देख के चलेंगे कि विधायी शक्तियां क्या होती हैं राष्ट्रपति की, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, और फिर इनके आपातकालीन शक्तियों के बारे में भी हम देखेंगे कि आपातकालीन शक्तियां क्या है, और साथ ही साथ इनके हम न्यायिक यानी कि जुडिशरी पावर को भी देखेंगे राष्ट्रपति के, कि राष्ट्रपति के पास किस तरीके से न्यायिक शक्तियां होती हैं, और साथ ही साथ हम मिलिट्री पावर भी देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां भी होती हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में डिप्लोमेटिक पावर जिसे हम कह सकते हैं कि कूटनीति शक्तियां, कूटनीति की शक्ति। तो गाय जी सारी चीजें क्या होती हैं, और इसी में हम पार्डन पावर को भी डिस्कस कर लेंगे। जब जुडिशरी पावर में आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं सजा माफी वाला पावर इनका देख लूंगा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या पावर है, मतलब सजा से रिलेटेड कि किस तरीके से राष्ट्रपति सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बिल्कुल अभी सारे के सारे टाइप आसानी के साथ देखेंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। तो आज हम हेडिंग से देख कर लग रहा होगा आपको पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में हमें बात करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। ओके, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइज इन प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की, केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं, वो सब के सब राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। और आर्टिकल 53 यहाँ पे देखिएगा, कंट्रीज रूल विल बी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि राष्ट्रपति के नाम से ही क्या होता है, पूरा का पूरा शासन चलाया जाता है। ठीक है, अलग बात है कि प्रेसिडेंट हमारे यहाँ देखिएगा व्यवहार में बड़े होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली पॉइंट ऑफ व्यू से और हम एक प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ सुप्रीम माने गए हैं, और इन्हीं के नाम से हम सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हम आगे अब यहाँ पे देख के चलते हैं, ही हैज द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव, यानी कि इनको ये शक्तियां हैं कि ये क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर के साथ, कि ये किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं, यानी किसी को पद पे नियुक्त भी कर सकते हैं और उनको पद से हटा भी सकते हैं, यानी कि पद पे ये नियुक्त भी कर सकते हैं, पद पे नियुक्ति भी कर सकते हैं, ये नियुक्त कर सकते हैं और किसी को हटा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। चलो हम आगे देख के चलते हैं कि किनको किनको ये अपॉइंट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर में और किनको किनको ये रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है गाइस, ये देखिएगा पीएम को भी अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड, ठीक है, ये पीएम को भी अपॉइंटेड अपॉइंट है, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैग, ठीक है, कैग होगा ये, सीएजी होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट, ये सारे के सारे लोगों को ये क्या करते हैं प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पीएम, और वो पीएम से क्या कर सकते हैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, खासकर प्रशासनिक इन्फॉर्मेशन वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन इन केस ऑफ एस सी एस टीज एंड ओबीसी, और वो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन, मतलब कि जो एस सी हमारे यहाँ जो कहते नहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का जो हमारे यहाँ कमीशन है, आयोग है, हैं पिछड़ा जाति पिछड़ा आयोग है, और उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, तो उन सब के जो चेयरमैन चेयरपर्सन होते हैं उनको भी अपॉइंट करने का ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। और साथ ही साथ ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर द यूटीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट बाय हिम, तो इतने सारे यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर को यानी प्रशासक को भी अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे हम इनके एग्जीक्यूटिव पावर को देख के चल रहे हैं, सारी की सारी चीजों को देख के यहाँ पे हम चल रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उनके लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। गाइस हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर को तो देख लिया है, अब हम उसके लेजिस्लेटिव पावर के बारे में देखेंगे। तो लेजिस्लेटिव पावर में यानी विधायी शक्तियों के बारे में हम देख रहे हैं, ही गिव एसेस टू अ बिल पास्ड बाय अ पार्लियामेंट, यानी कि अब हम इनके राज्य कार्यकारी के साथ साथ अब इनकी हम विधायी शक्तियों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो विधायी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देते हैं, यानी देखो विधायिका का क्या मतलब होता है, जो हमारे जैसे कार्यपालिका विधायिका मैंने आपको ये समझाया था
बेसिक क्लास में, तो कार्यपालिका और विधायिका, विधायिका वो होता है जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, विधायिका कानून बनाने वाली संस्था होती है, जिसको हमारे पार्लियामेंट जिसे हम कह सकते हैं, और उसमें जो हमारे एमपीज वगैरह होते हैं ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है ना, लेजिस्लेटिव का काम यही होता है। और एग्जीक्यूटिव क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, जो विधायिका ने जो कानून बनाया है और उसका इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की होती है। तो यहाँ पे अब इनके हम लेजिस्लेटिव पावर के बारे में समझते हैं कि प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है। ओके गाइस, चलो भैया आगे हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं। ही गिव एसेस टू अ बिल पास्ड बाय अ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति देते हैं, यानी कि जो भी बिल पास होकर के संसद से आता है उस पर अपनी सहमति देते हैं। तो यहाँ पे सहमति देते हैं, यस और नो करते हैं। आपको मालूम होगा इनके पास पॉकेट वीटो वगैरह और भी वीटो है, 4 टाइप के वीटोस टोटल होते हैं, उसको हम देखेंगे आगे चल करके। फिर ही समन्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोग्रेस एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट, कहने का मतलब है राष्ट्रपति क्या करते हैं, सदनों की बैठक बुलाते हैं, वो सत्र अवसान भी करते हैं, सत्रों की बैठक भी बुलाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट की वो ज्वाइंट सिटिंग सेशन भी को सिटिंग भी करते हैं, यानी कि ही एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दैट फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज हेडेड बाई द लोकसभा स्पीकर। कहने का मतलब है राष्ट्रपति संसद के पहले सत्र की संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाते हैं, लेकिन उसकी बुलाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अध्यक्षता कौन करेगा, वो राष्ट्रपति ना करके लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो गाइस इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ही कैन प्रोपागेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन बजट सेशन, इसका मतलब है कि ये दो सत्रों के बीच में, या आप यूं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो गाइस अध्यादेश क्या होता है, तो बिल्कुल इसको मैं सेपरेट लेक्चर आपके लिए लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अध्यादेश, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिएगा अध्यादेश का मतलब आपको समझ रहे हैं, ऑर्डिनेंस का मतलब यहाँ पे है एक आधा आदेश। आधा आदेश का मतलब है कि जब मान लीजिए देश के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया है और संसद क्या है, पार्लियामेंट हमारी जो है वो सत्र में नहीं चल रही है, यानी कि ना लोकसभा चल रही ना राज्यसभा चल रही है, और उस समय कानून लाना बहुत जरूरी है, तो ऐसी कंडीशंस में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो अपनी पावर का यूज करते हुए ऑर्डिनेंस ला सकता है, यानी कि अध्यादेश ला सकता है, और ये अध्यादेश को संसद के सत्र जब शुरुआत हो जाएगा तो 6 सप्ताह के भीतर, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक आफ्टर द पार्लियामेंट नीड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द प्रोमल्गेशन ऑफ टाइम, यानी कि 6 सप्ताह के भीतर में भीतर उसको क्या करना होता है, वो बिल को क्या करना होता है, पास कराना होता है, इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को बेसिक चीजें यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के पास कितनी शक्तियां हैं। तो अभी तक हमने इनके कार्यकारी शक्तियों के बारे में देखा है और विधायी शक्तियों के बारे में देखा है। अब हम चलिए इनके तीसरे पॉइंट्स पे आते हैं, इनकी इमरजेंसी पावर को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास आपातकाल से रिलेटेड शक्तियां होती हैं। तो इसको भी देखते हैं, आपातकालीन शक्तियां प्रेसिडेंट के पास कैसी होती हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, तो प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो यहाँ पे मैं आज सिर्फ डिस्कस कर दे रहा हूँ, बल्कि तो इमरजेंसी पे आपको एक सेपरेट लेक्चर में देने वाला हूँ, बेफिक्र रहिएगा, आपको मैं हर एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी। जिस तरीके से अभी तक मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के मैक्स सारे टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, और यूनिट आपके इस समय यूनिट 2 चल रहा था, और बिल्कुल वो टॉपिक जो रह गई है वो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, तो बेफिक्र रहिएगा, ऐसा नहीं होगा कि सैफ सर कोई टॉपिक स्किप कर देंगे, मैं यहाँ पे कोई टॉपिक स्किप नहीं करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से आप अपना प्यार सम्मान अभी तक बरकरार रखे हैं, आगे भी इसी तरीके से बरकरार रखिएगा। चले गाइस आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप सबको प्रेसिडेंट की जो पावर एंड फंक्शन में इनके एग्जीक्यूटिव पावर है और लेजिस्लेटिव पावर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपातकालीन शक्तियों पे, इमरजेंसी पावर पे। तो यहाँ पे देखिएगा प्रेसिडेंट को 3 तरह से आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 352, 356 और 360, यहाँ पे इमरजेंसी के बारे में प्रावधान है और इससे रिलेटेड शक्तियां हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को दी गई हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपातकालीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं अच्छे से आर्टिकल 352, 356 और 360
डील करूंगा, अभी मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ ना कि इमरजेंसी। हालांकि अलग बात है कि हम उसकी पावर में उसकी इमरजेंसी पावर को भी देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में चीजें हम देख के चल रहे हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं इमरजेंसी पे एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, और साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाया था उस समय उसको भी हम डिस्कस करेंगे 1975 में, ठीक है, क्या उसके पीछे रीजन था। बिल्कुल मैं एकदम हर चीज को आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूंगा इमरजेंसी का, कि 3 बार अभी तक हमारे यहाँ इमरजेंसी लग चुकी है। अगर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो 3 बार अभी तक हमारे यहाँ इमरजेंसी लग गई है। जब चाइना से वॉर हुआ था तब लगी थी 1 बार, पाकिस्तान से वॉर हुआ था तब लगी थी, और 3री बार इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने जब अपनी पावर का कह सकते हैं मिसयूज किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सॉरी उनके नॉमिनेशन को क्या कर दिया था, जब वो उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया था। तो बहुत कहते हैं इंटरेस्टिंग वो इश्यूज है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहां तक के लिए वेट करिएगा, बिल्कुल मैं आपको वहां पे इमरजेंसी प्रोविजन में पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल तो अभी हम प्रेसिडेंट को देख के चल रहे हैं और प्रेसिडेंट की आपातकालीन शक्तियों को यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा था प्रेसिडेंट का नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी ये 352 होगा, और यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी जिसको हम आप राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, जब राज्यों में जो चीज लगाया जाता है, जहाँ पे कानून व्यवस्था जब पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाते हैं, तो ऐसे राज्य में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो उस समय भी इनके पास शक्तियाँ आ जाती हैं। और 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं गैस वित्तीय आपातकाल, और अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, और उम्मीद भी करता हूँ कि आगे भी ना लगे। फिलहाल तो वित्तीय आपातकाल कभी भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो ये सारी की सारी शक्तियाँ इस दौरान राष्ट्रपति के हाथों में क्या होंगी, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम आगे यहाँ पे देख के चलते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड इनकी चौथी शक्तियों को, यानी कि जुडिशियल पावर। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको जुडिशियल पावर अच्छे से मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इनकी न्यायिक शक्तियां क्या है, न्यायिक शक्तियां क्या है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। चलो तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते हैं अभी राह करें, और गाइस लेक्चर को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मैक्सिमम लोगों तक ये प्रेसिडेंट का लेक्चर पहुंचा दीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को 25 दिसंबर को दिया था प्रेसिडेंट के बारे में, और आज इसका सेकंड पार्ट मैं आपको दे रहा हूं। तो प्लीज, और इसका एक वीडियो और आएगा प्रेसिडेंट, क्योंकि बड़ी टॉपिक है और ये यूनिट 7 का टॉपिक है, ठीक है। तो यूनिट 7 आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं। तो बेफिक्र रहिएगा, जिस हिसाब से आपको यूनिट 1 कंप्लीट कराया है, यूनिट 3 भी आपकी चली रही है मॉर्निंग में, और इस समय आपकी यूनिट 2 चल रही थी, तो आज मैं आपको मगर यूनिट 7 का प्रेसिडेंट कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि प्रेसिडेंट का एक लेक्चर मैं आप लोगों को दे चुका हूं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूं। गाइस फिर हम आगे यहां पे देख के चलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रेसिडेंट को क्लियर भी कर दूंगा, यानी कि कंप्लीट पूरा करवा दूंगा आप लोगों का, और उसके बाद फिर यूनिट 2 जहां से छोड़ा था उसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो बेफिक्र रहिएगा आप सभी प्यारे बच्चों मेरे। फिर मैं बात कर रहा था जुडिशियल पावर की, न्यायिक शक्तियों को लेकर के। आर्टिकल 72 में 5 प्रकार की जुडिशियरी पावर के बारे में गिवन है प्रेसिडेंट के बारे में, और यानी कि 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा पार्डन पावर है, पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना। दूसरा है कम्यूटेशन, का मतलब है लघुकरण, अभी मैं इंग्लिश में देख लें हिंदी में बोल देता हूँ कम्यूटेशन। तीसरा है रेमिशन। चौथा है रिस्पाइट, और पांचवा है रिप्रीव। तो गाइस देखिए, पांचों का हिंदी में मैं नाम लिख दूं, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पहला वाले का क्षमा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा, पैडन पावर मतलब क्षमा शक्ति। दूसरा कम्यूटेशंस का मतलब है लघुकरण, मतलब भी समझा दे रहा हूं सबका। तीसरा है रेमिशंस यानी कि परिहार, और चौथा है रिस्पाइट यानी कि आप कह सकते हैं विराम, और पांचवा और आखिरी है रिप्रीव। रिप्रीव का आप कह सकते हैं निलंबन। तो गाइस को हिंदी में नोट भी कर लीजिएगा। तो ये 5 प्रकार की शक्तियां प्रेसिडेंट को मौजूद है, उनके पास है ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे पार्डन पावर टू रिलीज द कल्प्रिट, इसका क्या मतलब होता है पार्डन पावर के तहत टू रिलीज द कल्प्रिट, यानी कि अपराधी को सजा मुक्त कर देना।
तो याद रखिएगा अपराधी को पूरी तरीके से सजा मुक्त कर देना पार्डन पावर है। फिर कम्यूटेशन के तहत हम देखेंगे यानी कि सॉरी लघुकरण के तहत देखेंगे तो दंड के प्रकार को कैन चेंज द टाइप ऑफ पनिशमेंट एंड मेक इट इजी, तो दंड के प्रकार को बदलकर हल्के प्रकार में कर देना, ठीक है, यानी कि जो दंड का प्रकार है उसको बदलकर हम कुछ हल्के प्रकार में कर देते हैं। जैसे जैसे किसी को मान लीजिए डेथ सेंटेंस दी गई है, मृत्यु उसको क्या कर देंगे, आजीवन कारावास में चेंज कर देंगे, तो इस हिसाब से पावर प्रेसिडेंट के पास है। और तीसरा है रिमिशंस यानी कि परिहार के बारे में, यहाँ पे दंड की मात्रा को कम कर देना, कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सेंटेंस, यानी कि दंड की मात्रा को कम कर देना। दंड की मात्रा मान लीजिए किसी को 10 साल की सजा है, उसको कम करके 5 साल कर दिया, ठीक है, 2 साल कर दिया, तो इसी तरीके से दंड की मात्रा को कम कर देना। कम्यूटेशंस में क्या है, दंड के जो प्रकार है उसको बदल के हल्के प्रकार में कर देना, और पहले वाले में तो अपराधी को सजा मुक्त कर देना। और चौथा वाला है रिस्पाइट यानी कि विराम। विराम का मतलब है किसी मानवीय आधार पर, याद रखिएगा किसी मानवीय आधार पर क्या कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति का प्रयोग है। जैसे मान लीजिए उसको कुछ, उस पर्सन को फिजिकल डिसेबिलिटी है या प्रेग्नेंट वीमेंस है, तो इस हिसाब से एक मानवीय आधार पर सजा क्या की जा सकती है, उसकी कम कर दी जा सकती है या उसको छोड़ा जा सकता है। तो ऐसा हमारे संविधान में मेंशन है और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी। देखो मैं आपको फिर बता दूं गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, भले आप पढ़ रहे हो कि प्रेसिडेंट की शक्तियां हैं, लेकिन अगर मैं देखूं व्यवहार में रियल में शक्तियां किसके पास है, तो रियल में शक्तियां होम मिनिस्टर के पास है। याद रखिएगा होम मिनिस्ट्री के पास क्या है गाइस, रियल में शक्तियां हैं, ये सारी की सारी चीजें। हमने आपको बोला ना कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट के नाम से काम किया जाता है, जो असली शक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। चलो फिलहाल तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख रहे थे। और इनका पांचवा और आखिरी रिप्रीव यानी कि कैन एंड द डेथ सेंटेंस यानी निलंबन, तो डेथ सेंटेंस को क्या कर देना, मृत्यु दंड को लागू होने से रोक देना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सारी की सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिएगा, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। चलो भैया तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रफ भी करते हैं जो आप लोगों को क्लियर दिखे, और नोट डाउन भी करते चलिए साथ ही साथ। तो भैया मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ सारी चीजों को, जो आप लोगों को चीजें क्लियर रखें। यहां पे मैं बात कर रहा था इनके पांचों प्रकार की शक्तियों के बारे में, दंड मतलब जो दंड से रिलेटेड शक्तियां हैं, जुडिशियल पावर, उसको मैंने आपको यहां पे देखा। चलें अब मैं यहां पे गैर मिलिट्री पावर्स के बारे में देखता हूं कि यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड इनकी सैन्य शक्तियां क्या है। आप सबको मालूम होगा द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, आर्मी नेवी एंड एयर फोर्स, यानी जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये याद रखिएगा। और सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं तीनों सेनाओं के, और ही कैन डिक्लेयर ऑफ वॉर एंड पीस इन द कंट्री, और वो युद्ध और शांति की क्या करते हैं, राष्ट्रपति हमारे यहाँ युद्ध और शांति की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये मिलिट्री पावर हो गई, सैन्य शक्तियां हो गई। तो गाइस हम आखिरी और छठवीं इनकी पावर को यहाँ पे देख के चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर यानी कि कूटनीतिक शक्तियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्तियां हैं, कूटनीतिक शक्तियां इनकी, कूटनीतिक शक्तियां, चलो इसको भी समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इंडियन डिप्लोमेट्स इन अदर कंट्री, यानी कि जो हमारे जो राजनयिक होते हैं जो हमारे, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अदर कंट्री में। द रिसीव द फॉरेन एम्बेसडर ऑफ द अदर कंट्री, और साथ ही साथ जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ एम्बेसडर आते हैं उनको भी ये रिसीव करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमें कूटनीतिक शक्तियों में इनकी शक्तियां, जो मेन शक्तियां समझनी है, वो मेन शक्तियां ये रही लास्ट में। आप लोगों को शायद पीछे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी में भी लिख दूंगा।
ऑल द ट्रीटी आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि सभी संधि जितनी भी ट्रीटीज होगी, ऑल द ट्रीटी आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, सभी संधि राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से क्या किया जाएगा, किया जाएगा राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ठीक है, तो गैस हमने शॉर्ट एकदम आसानी के साथ देखिएगा इनके 6 पॉइंट को डिस्कस किया है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर के आए हैं आपके सामने प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले चलिए जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, और यहाँ पे हम देख के चलते हैं। मैंने आज आपको जो शुरुआत की, पहले तो हम पीछे क्लासेस में चलते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 52, 53, 54, 55, 71 और 61, यानी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितनी बेसिक चीजें थी, प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, इलेक्शन प्रोसीजर, इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, एक एमपी के वोटों की वैल्यू कितनी होती है, एक एमएलए की वोटों की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, कौन कौन से लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रेसिडेंट इलेक्शन होने के लिए कितने प्रस्तावक अनुमोदक चाहिए होंगे, सब मैंने आपको बताया है। सारी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस करी है। उसके बाद मैंने इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को यहाँ पे डिस्कस किया था, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आपको मालूम होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगाया जाता है, यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग जब चलाया जाएगा आर्टिकल नंबर 61 के तहत, उसको भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बहुत जबरदस्त तरीके से आप सबको गाइस डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और जो मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सारे बच्चों से ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप मेरी पीछे की वीडियो देखिएगा, और आई थिंक 25th of December की वीडियो थी जहां पे मैंने प्रेसिडेंट आपको शुरुआत किया था, और इस वाली बैच में शाम की जो बैच आपकी चल रही है यहाँ पे मैं अभी आपकी यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपका यूनिट 1 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, यूनिट 2 पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट टॉपिक बीच में मैंने शुरू किया था, वो टॉपिक रह गई थी, तो आज और कल मैं दोनों दिन आपका प्रेसिडेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, और फिर से अपनी नई क्लासेस में, यानी कि मैं आपको यूनिट 2 के बाद कंटिन्यू कर दूंगा, और मॉर्निंग वाली क्लास में मैं यूनिट 3 तो पढ़ा ही रहा हूँ। आप देख रहे होंगे यूनिट 3 की क्लासेस वहां चल रही है, वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो इसी हिसाब से मैं आपको देखिए 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीजें को आपको मैं दे रहा हूँ, तो गाइस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। चलो, तो पीछे की क्लासेस में हमने प्रेसिडेंट के बारे में ये सारी चीजें देखी, आज हमने क्या देखा, आज हमने इनके पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में देखा। पावर एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में हमने क्या देखा, इनके पास 6 पावर है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, इमरजेंसी पावर, जुडिशरी पावर, मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, यानी कि कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां। तो एक इसी तरीके से हमने इनके पावर एंड फंक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में मैंने आपको बताया है कि केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और राष्ट्रपति अपॉइंट करने को, किसी को रिमूव करने का इनके पास पूरा का पूरा पावर होती है। उसके बाद इनके विधायी शक्तियों के बारे में देखा, यानी कि जो भी बिल पास होकर के आता है संसद से उसकी सहमति देते हैं या उस पर अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, तो ये सारी के पावर लेजिस्लेटिव पावर में देखा। उसके बाद ये जॉइंट सेशन को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। और ही कैन प्रोपगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन, और मैंने आपको बोला कि ये अध्यादेश को भी क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश मैं फिर बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्लासेस में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, कल ही के लेक्चर में मैं पूरा का पूरा इनके पूरी की पूरी पावर, क्या क्या पावर होती है, क्या क्या ऑर्डिनेंस है, सब मैं मतलब पॉकेट वीटो को लेकर के और सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। वहाँ पे ऑब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो क्या होता है, हैं, तो ये सारी की सारी वीटो को लेकर के, वीटो पावर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनेंस के बारे में भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे गाइस प्रेसिडेंट कैन, तो मैंने आपको बताया था अध्यादेश को लेकर के कि ऑर्डिनेंस को लेकर के, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब मान लीजिए देश हित में कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया हो और उस समय हमारा पार्लियामेंट का सेशन रन ना कर रहा हो, ना तो लोकसभा चल रही हो ना राज्यसभा चल रही हो, और ऐसे समय में कानून जरूरी हो तो राष्ट्रपति एक आदेश पारित करके अपनी शक्ति का यूज करते हुए अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उसको देश में लागू करवा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, जब हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा पार्लियामेंट का, तो
6 वीक होगा, सॉरी 6 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी संसद के सत्र के 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको पास कराना जरूरी होगा, अदरवाइज वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। फिर हमने इनके इमरजेंसी पावर के बारे में देखा कि आर्टिकल 352, 356 एंड 360, नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारी की सारी स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, हम एक सेपरेट टॉपिक में भी इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे हम यहाँ पे देख के चलते हैं इनके जुडिशियल पावर को लेकर के। फिर हमने आपको यहाँ पे राष्ट्रपति से रिलेटेड इनके न्यायिक शक्तियों के बारे में देखा कि राष्ट्रपति को 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां दी गई हैं कि वो पार्डन कर सकते हैं, कम्यूटेशन कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, यानी कि किसी कल्प्रिट को छोड़ सकते हैं, किसी कल्प्रिट के पनिशमेंट को हल्के प्रकार में बदल सकते हैं, किसी कल्प्रिट के उसकी जो सेंटेंस है, उसके जो सजा है उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ मानवीय आधार पर सजा को माफ भी कर सकते हैं, और डेथ सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो ये हमने इनके सारी के सारी जुडिशियल पावर में देखी है। और लास्ट में हमने मिलिट्री पावर के बारे में बताया है कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, यानी अध्यक्ष नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कमांडर होता है, और साथ ही साथ ये युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं देश में। और फिर हमने इनके डिप्लोमेटिक पावर के बारे में यहाँ पे देखा है, सभी ट्रीटीज और इन्हीं के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। तो गाइस सारी की सारी चीजें हमने देखी हैं। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख के चलते हैं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में जब आपसे मिलेंगे तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक अभी रह गई है, यानी प्रेसिडेंट काफी बड़ी टॉपिक है, 2-3 लेक्चर इस पे लगता है, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, प्रेसिडेंट का पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो वेट करिएगा मेरे इस लेक्चर का, और कल ही मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा, उसके बाद मैं अपनी यूनिट 2 को कंटिन्यू कर दूंगा। तो आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो यहाँ पे आर्टिकल 52 में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो नोट डाउन करते चलिएगा। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एंड द आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, यानी कि राष्ट्रपति के ऑफिस यानी उसके पद के बारे में, कार्यकाल के बारे में, उसके इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, इलेक्शन कैसा होगा प्रेसिडेंट का, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, और प्रेसिडेंट एक भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये सारे के सारे आर्टिकल में जो मेंशन है वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। 57 में एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है। 59 में कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में मेंशन है। और आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट का ओथ के बारे में है, यानी कि शपथ के बारे में है, ठीक है। और आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के बारे में है, यानी कि महाअभियोग के बारे में है। और आप लोगों को ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि कितने समय पे बाद प्रेसिडेंट के पद को तुरंत फिल कर लिया जाए, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके साथ ही साथ हम आगे यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 65 में वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करता है। और आर्टिकल 71 में यहाँ पे मेंशन हुआ है कि मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और आर्टिकल 72 में उसके पार्डन पावर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, यानी कि क्षमा शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 74 में काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में फॉर एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस को लेकर के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कि जो उसको सलाह मशवरा देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे 76 अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है, लेकिन फिर भी जान लीजिएगा भारत का महान्यायवादी एक आर्टिकल 76 में है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो और चीजें आपको यहाँ पे देख के पढ़ना है, 100, 1, 2, 3, ये देखिएगा 123 आर्टिकल जो है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश, अभी मैं आपको अध्यादेश के बारे में जिक्र कर रहा था ऑर्डिनेंस को लेकर के, तो ये भैया प्रेसिडेंट की पावर है आर्टिकल 123, ठीक है। तो हम इसको बहुत सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं इस पे, और सारी चीजें वहां पे कवर कर देंगे। और आर्टिकल 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे 143 में ये सारी की सारी चीजें दी गई हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने शॉर्ट में मैंने आप लोगों को कितने आसानी के साथ अपने इस वीडियो में मैं आपको सब के सब सारे के सारे टॉपिक गाइस यहाँ पे मैं कवर करा चुका हूँ।
तो आई होप आप लोगों को चीजें भी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो गाइज देखिएगा, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जिन्होंने अभी तक मेरी क्लासेस नहीं देखी है वो जाकर के प्लीज मेरी पहले की क्लासेस देख लें, जो आपका प्रेसिडेंट का सारा बेस क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और उसके बाद सेकेंड वीडियो ये जो मेरी चल रही है और एक वीडियो उस पर मैं और बुलाने वाला हूँ, तो वहां पे मैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक वहां पे कवर करने वाला हूँ। ओके तो चलिए हम आगे यहाँ पे अब देख के चलते हैं इनके कुछ और इंपॉर्टेंट, यानी कि अगले जब हम कल के लेक्चर में चलेंगे तो वहां पे इससे रिलेटेड जहां पे मैंने छोड़ा है उसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहे कि सैफ सर के वीडियोस कब आ रहे हैं या और भी टीचर के आपके कौन कौन से वीडियोस आ रहे हैं। और इतने अच्छे से पढ़ाई करिएगा कि लेट्स क्रैक इट वाला सपना एकेडमी का वो फुलफिल हो जाए, स्लोगन आपके फुलफिल हो जाए। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि मैं अपनी टाइमिंग के बारे में, गाइस देखिएगा मॉर्निंग 10 बजे मैं आप सबसे बता दूं 10 AM पर मैं आप लोगों को पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की क्लास ले रहा हूँ पेपर वन की, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सैफ सर के साथ आपको पेपर वन पढ़ना चाहिए तो प्लीज आप मुझे मंडे टू फ्राइडे 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं लेट्स क्रैक NTA UGC NET के चैनल पर, NTA UGC NET के चैनल पर। और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे है ये शेड्यूल, मैं आपको फिर से बता दूं मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल है ये। और यहाँ पे गाइस देखिएगा फिर 11 बजे मैं आपको 11 AM पे अनअकैडमी पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर मिलता हूँ, मंडे टू फ्राइडे पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं 4 से 5 यानी कि जो मेरी ये टाइमिंग चल रही है आपसे अनअकैडमी UGC NET के चैनल पर, जिस चैनल पर आप हमें देख रहे हो, तो ये मेरा शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे का। 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, 3 अलग अलग चैनल पर मैं 3 अलग अलग टॉपिक आपको कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है और यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है। और आज अलग बात है कि मैंने आपको यूनिट 7 का जो प्रेसिडेंट टॉपिक उठाया था उसको कवर करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं यूनिट 2 ही कवर करूंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस का टाइमिंग है, आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। और हम यहाँ पे एक चीज बता दें अपनी स्पेशल क्लास, तो प्लीज गाइस स्पेशल क्लास में तो आप लोग बिल्कुल मत मिस करिएगा, आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सैटरडे संडे अभी आ रहा हूँ स्पेशल क्लास के लिए और वहां पे मैं 10 बजे ठीक मॉर्निंग में आ जाता हूँ। तो 10 से 11 एक क्लास लेता हूँ, उसके बाद 11:30 आधे घंटे का ब्रेक के बाद 11:30 से 12:30 PM तक मैं उसकी सेकेंड क्लास लेता हूँ। तो इस हिसाब से स्पेशल क्लास आपकी सैटरडे संडे चल रही है और मंडे टू फ्राइडे का मैंने आपको पूरा पूरा टाइम बता दिया है। तो प्लीज गाइज इस चीज का ख्याल रखिएगा और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल जो भी टॉपिक होगी सैफ सर बहुत आसानी के साथ आपको समझा देंगे, कोई भी चीजें आपको वहां पे दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी मैं आपसे बस इतना कहता हूँ और उसके बाद मैं आपसे यहाँ विदा होना चाहता हूँ और फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में प्रेसिडेंट कंप्लीट करवा दूंगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्पेशल क्लास देखने के लिए भी, आपको स्पेशल क्लास फ्री में देखने के लिए भी मेरा रेफरल कोड SAF10 यूज करना पड़ेगा। SAF10 मेरा रेफरल कोड है, आप वहां पे यूज कर सकते हैं, जिससे आप स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस मेरी वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप प्लस पर एडमिशन लेते हैं तो भैया प्लस पर एडमिशन लेने से आप भी मेरा वहां पे रेफरल कोड SAF10 यूज करिएगा, तो जिसकी वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है, तो 10% डिस्काउंट। और ये सब आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से वहां पे पढ़ने का मौका मिलने वाला है, बहुत सारी फैसिलिटीज है PDF से लेकर के आपके मॉक टेस्ट, क्विज टेस्ट और भी बहुत ही सारी लाइव इंटरेक्शन बहुत जबरदस्त होता है वहां पे। तो इस तरीके से आपकी बहुत हेल्प की जाएगी और पेपर 1 और पेपर 2 आपको एक ही कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में पूरा का पूरा कवर करा दिया जाएगा और जिस भी टीचर से आप चाहते हैं उस एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस देखिए मेरी लेक्चर आज यहीं पे था, फिर मैं नेक्स्ट आपको क्लासेस में प्रेसिडेंट का जो टॉपिक रह गई है उसको भी कवर करा दूंगा। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करें कि अनअकैडमी का एक जो सपना है लेट्स क्रैक इट वाला गाइस, तो वो लेट्स क्रैक इट हो जाए। ओके ठीक है गाइस, कल मिलते हैं फिर अपने टाइम पे। ओके थैंक यू।